नताशा की कोई खबर? अब तक तो नहीं है, लेकिन वो जिंदा है, वरना अल्ट्रॉन खुशी के जश्न मना रहा होता। ये तो सील बंद है, हमें इसे अंदर से खोलकर प्रोग्राम तक पहुंचना होगा। क्या नताशा इंटरनेट के अलावा भी तुम्हारे लिए कोई मैसेज छोड़ सकती है पुराने स्टाइल में? कुछ जाल है जो मैं फेंक सकता हूँ। ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूँ। अगर तुम डॉक्टर चोक के प्रोग्राम को खत्म कर दो तो मैं मांसपेशियों को तोड़ने का काम कर सकता हूँ। जरा बात कर लेते हैं। नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। पहले भी कर चुका हूं। हमारा दोस्त, वो जो परमाणु बम के कोड नंबर्स की सुरक्षा कर रहा था, वो मिल गया। हेलो डॉक्टर बैनर। अल्ट्रॉन ने चावेस पर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि वो गुस्से में था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उसे डर था इसकी काबिलियत से। इसलिए चावेस छिप गया, बिखर गया, अपनी याददाश्त मिटा दी, पर अपने उसूल नहीं। जब मैंने इसे दोबारा बनाया तब इसने जाना कि ये खत्म नहीं हुआ है। तो तुम चाहते हो कि मैं जार्विस को इस मशीन में डालने में तुम्हारी मदद करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं जार्विस को इसमें डालने के लिए। मैं इस काम में माहिर नहीं हूं और तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह करना तुम्हारी खासियत है। और तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक जार्विस की काबिलियत अल्ट्रॉन को मात दे देगी, है ना? जार्विस तो अनजाने में ही अल्ट्रॉन की बैंड बजा रहा था। यही एक मौका है, हम एक परफेक्ट अल्ट्रॉन बना सकते हैं उस पुराने वाइब्रेनियम के अल्ट्रॉन के हिले हुए दिमाग के बिना। हमें यह करना ही होगा। मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए। इस चक्रव्यूह में फंस चुका हूं। हम फिर से वही गलती करने जा रहे हैं जहां से यह गलती शुरू हुई थी। जानता हूं कि सब क्या कहेंगे, पर वो तो पहले से कह रहे हैं। हम तो पागल वैज्ञानिक हैं, हम शैतान हैं दोस्त, ये मानना ही होगा, कुछ करना ही होगा। ये कोई चक्रव्यूह नहीं, इस लड़ाई का अंत है।